पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और थंडर शावर और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी ऑब्जर्व की गई है। अगर बात करें उड़ीसा में तो चीफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल सबसे ज्यादा रेनफॉल कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के जयपुर में 148 मिलीमीटर दर्ज की गई है। उसके बाद 3 जगह पर वेरी हैवी और 8 जगह पर हैवी रेनफॉल भी ऑब्जर्व की गई है। हाईएस्ट टेम्परेचर भुवनेश्वर में 35.6 डिग्री सेल्सियस और नुआपाड़ा मिनिमम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की तो उड़ीसा के आसपास जो सिस्टम है ट्रफ लाइन है उसकी वजह से उड़ीसा के ऊपर वेदर बना हुआ है, जिसमें से एक सिस्टम जो कि ट्रफ है जो कि ईस्ट राजस्थान और एडजॉइनिंग वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन बनी है और दूसरी जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल की तरफ है उसके ऊपर से जो ट्रफ लाइन गुजरती जा रही नॉर्थ छत्तीसगढ़ और झारखंड और गंगटी वेस्ट बंगाल के ऊपर से समुद्र तट से 0.9 किलोमीटर ऊपर से उसकी वजह से उड़ीसा के ऊपर वेदर बना हुआ है। अगले 5 दिन के फोरकास्ट की बात करें तो उड़ीसा में डे 1 यानी आज सुंदरगढ़ केंद्र मयूरभंज अनुगुल ढेंकनाल और कोस्टल उड़ीसा जो है वहां पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा थंडर शावर होने की संभावना और बाकी रेस्ट उड़ीसा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे 1 में आज WD के प्रभाव और ट्रफ लाइन के प्रभाव की वजह से ज्यादातर उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना, इसके लिए येलो वार्निंग दी गई है और कुछ जगह जैसे कि सुंदरगढ़ देवगढ़ केंद्र मयूरभंज बालासोर भद्रक जाजपुर गंजम गजपति कंधमाल यहाँ पर सरफेस गस्ती विंड 40-50 KMPH जाने की संभावना, इसकी वजह से यहाँ पर येलो वार्निंग दी गई है। डे 2 में सुंदरगढ़ केंद्र मयूरभंज में इसी प्रकार कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा थंडर शावर होने की संभावना और बाकी रेस्ट उड़ीसा पर एक दो स्थानों पर जो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। डे 2 में भी जो सुंदरगढ़ केंद्र मयूरभंज नवापाड़ा कालांडी नवरंगपुर में थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग होने के लिए येलो वार्निंग दी गई है। डे 3 डे 4 डे 5 में भी एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट की तो मैक्सिमम टेम्परेचर में अगले 2-3 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। भुवनेश्वर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।